हेलो फ्रेंड्स, आज के वर्कशॉप में हम इस टावर फैन को रिपेयर करेंगे। ये काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसे हम ओपन करेंगे और इसे रिपेयर करने के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि ये एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। अब गर्मी का समय आ गया, इसी कारण हम इस टावर फैन या फिर सीलिंग फैन या फिर कोई भी फैन का अब हमें यूज करना होगा, क्योंकि गर्मी के समय में हमें इसी का यूज होता है। तो बहुत दिन से परे परे ये इसमें कुछ माइनर प्रॉब्लम आ जाता है, जिसके कारण आपको मिस्त्री के पास जाना पड़ता है और वहाँ पर वो बहुत सारा चार्ज कर देता है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप कोई भी फैन को आप अपने घर पे आसानी से ठीक कर सके, बहुत ही सिंपल से। और यदि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे तो हम सीलिंग फैन पे भी वीडियो बना देंगे और टेबल फैन पे भी वीडियो बना देंगे। हम टावर फैन को पहली बार ओपन कर रहे हैं, इसलिए हमें सावधानी से खोलना होगा। इसका सारा स्क्रू ओपन हो चुका है, उसके बावजूद भी ये नीचे से नहीं खुल रहा है। यहाँ पर पलटाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर दो और स्क्रू लगा हुआ है, इसे भी हमें ओपन करना होगा तभी ये खुलेगा। आप किसी भी नया चीज़ को ओपन करो तो उसे आपको सावधानी से खोलना होगा, क्योंकि कहाँ पे कौन सा स्क्रू लगा हुआ रहता है आपको नहीं मालूम रहता, इसीलिए वो टूट भी सकता है। ये फैन अभी पूरा ओपन हो चुका है, अब मैं इसके आगे वाले पार्ट को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही कम जगह है जहाँ पर ये एयर को बाहर आने के लिए खुला है, नहीं तो पूरा पैक है यहाँ पर। और इसके नीचे एक छोटा सा मोटर लगा है, जिसके कारण इसका जो हवा जो है वो लेफ्ट राइट के तरफ टर्न हो, इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा मोटर लगाया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये फैन का ब्लेड है। नॉर्मली फैन में ब्लेड रहता है, लेकिन यहाँ पे फैन ब्लेड की जगह ये इस तरीके का लगाया गया है। जब ये रोटेट होता है ये मोटर, इसी के साथ ये रोटेट होता है और यही हवा बाहर की तरफ फेंकता है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का ब्लेड है, इसे ब्लेड कहा जाता है या फिर क्या कहा जाता है वो तो मुझे नहीं मालूम है। चलिए हम देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है ये टूटा हुआ है और इसे टेप से भी चिपकाया हुआ है। और यहाँ पे मोटर है, मोटर में चार वायर निकला हुआ है और यहाँ पे सारा कनेक्शन किया गया है। तो हम सारा वायर को पहले हम काट के निकाल देंगे। यहाँ पे एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है, सारा वायर को यहाँ पर बांधा गया है। हम सारे को काट के हटा देते हैं, फिर हम इसके वायर को देखेंगे कहाँ कहाँ कनेक्शन किया गया है और इसे हम सही से सारा वायर को जोड़ देंगे। यहाँ पर जो छोटा सा मोटर है इसमें दो वायर है, इसे हम निकाल देते हैं। पहले हम इसे टेस्ट करेंगे ये सही है या फिर। फैन में से सारे वायर को निकाल दिए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो दो रेगुलेटर है, एक मेन मोटर का और एक जो है ये छोटे मोटर का, जिससे ये फैन का डायरेक्शन चेंज करता था। तो इसमें से हम सारा वायर निकाल दिए और इसे हम चेक किए तो ये काम नहीं कर रहा है, इसीलिए हम इसे यूज नहीं करेंगे। इसे हम निकाल देते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप इससे इसका डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाओगे, नहीं तो हवा तो बाहर ठीक से फेंकेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इसका मेन मोटर है, इसमें सारा कुछ शायद सही है। चलिए हम इसमें सप्लाई देके देखते हैं ये एक्चुअली में वर्क करता है या फिर नहीं करता है। 220 वोल्ट का इसमें सप्लाई देते हैं और देखते हैं ये मोटर काम करता है या फिर नहीं करता है। यदि काम नहीं करेगा हमें इस मोटर को रिपेयर करना पड़ेगा। आप देख सकते हो जब हम इसमें 220 वोल्ट का सप्लाई दिए तो ये रोटेट होना शुरू हो चुका है और सही से ये काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो फैन का जो ब्लेड है वो सिर्फ टूटा हुआ है, इसे हमें चेंज करना होगा, नहीं तो ये सही से काम कर रहा है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस फैन का ब्लेड को हमें सिर्फ चेंज करना होगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो मेरे पास इसका ब्लेड नहीं है, तो इसे हम पैक करके रख देते हैं। और हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।